हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एंड अवेयर लाइफस्टाइल में। तो आप देख सकते हैं आज मैं आपको आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने 2 शिमला मिर्च काटी हैं और 3 आलू काटे हैं और एक छोटा सा प्याज काट लिया है। अब चूंकि मिर्चें हम लोग डालते हैं तो वो तेल में पड़ने के बाद वो जल जाती हैं हल्की, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये मिर्ची मैंने हरी जो है उनको पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में और पेस्ट बना लिया है। तो ये साथ में जब हम लोग डालेंगे, हल्का प्याज जब भून जाएगा उसके बाद मिर्च का पेस्ट डालेंगे तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो ये एक सिंपल रेसिपी है, आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। देखिए मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और इसको मैंने पहले थोड़ा सा धुल लिया था पानी से। आप भी कोई भी बर्तन चढ़ाएं तो उसको थोड़ा सा पानी से धुल लें, धूल मिट्टी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए पानी है, वो हम लोग जला देंगे। पानी जब जल जाएगा तब हम इसमें तेल डालेंगे। अगर पहले डालेंगे तो उसमें पानी की बूंदें होंगी जिससे आपके ऊपर तेल की छिट भी पड़ सकती है। तो पानी जल गया है तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, कोई भी सब्ज़ी हो तो हम सरसों के तेल में ही इसको बनाएंगे। और लोहे की कढ़ाई हो दोस्तों तो फिर तो कहना ही क्या, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी कोई भी बनाओ उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो उसमें मैंने जीरा थोड़ा सा डाला है, उसके बाद प्याज डाल दिया है, 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं, इनको बाद में हम लोग काट के डालेंगे। और इसमें ये है किचन किंग, ये हल्दी और ये नमक। तो इसमें हल्दी और किचन किंग ही केवल डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज भून चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं पर 1/2 चम्मच ठीक रहेगा। उसके बाद इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद इसमें आलू और टमाटर काट के डाल देंगे। टमाटर बहुत लोग पहले डाल लेते हैं पर मैं बाद में ही डालती हूँ। अब मैंने कटे हुए शिमला मिर्च भी डाल लिए हैं इसमें और उसको थोड़ी देर हम लोग चलाएंगे। सब्ज़ी को अच्छे से मिला लें उसको कम आंच पे तो सब्ज़ी और टेस्टी हो जाती है। उसको हल्का सा भून लें, सब्ज़ी को अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद 5 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे धीरे धीरे करके। और फिर 1/2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच ज़रूरी नहीं है, सब्ज़ी जितनी कम ज़्यादा हो उस हिसाब से आप डालिए। नमक डालने के बाद इसको फिर अच्छे से चलाते रहिए, सब्ज़ी को अच्छे से चलाइए थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के। फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद सब्ज़ी का सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी का कलर जो है वो चेंज हो गया है एकदम से। सब्ज़ी को हम अच्छे से मिला लेंगे एकदम, देखिए उसका हल्का हल्का सा तेल जो है वो छूटने लगा है। तो मैंने इसमें 1 छोटा कप पानी डाल दिया क्योंकि हम लोग रसीली सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, हल्की सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं, मतलब हल्का हल्का सा रसा जिसमें रहता है वैसी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। और इसमें 1 कप पानी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और इसको कम से कम 2-3 मिनट बाद हम लोग इसको चेक करते रहेंगे। तो देखिए मैंने 2-3 मिनट बाद 5 मिनट बाद इसको चेक किया है तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। हल्का सा आप आलू को तोड़ के देखिएगा तो आलू आराम से सॉफ्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो यानी कि हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। तो सब्ज़ी ये हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम पराठा या पूड़ी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख लिया था पहले ही,
आप लोग भी आटा पहले ही गूंथ के रख लीजिएगा, उससे थोड़ी देर बाद आटा अगर रखा रहता है तो आटा फूल जाता है हल्का सा, तो उससे बहुत सॉफ्ट पूड़ी या रोटी या जो भी बनाना चाहते हैं वो बनती है। मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने कहा था कि उन्हें पराठा खाना है, तो मैंने यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। नॉनस्टिक में पराठा इतना सॉफ्ट इतना टेस्टी बनता है दोस्तों, आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ मैं पराठे के ऊपर देसी घी लगाए दे रही हूँ, देसी घी बहुत अच्छा रहता है, रिफाइंड से काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि देसी घी ये मैंने अपने घर में ही बनाया था खुद से, तो हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। रिफाइंड बाहर का नहीं इतना सही रहता है रिफाइंड, तो अगर आपको पराठी पूड़ी खाने हैं तो आप कोशिश करिए कि रिफाइंड नहीं, आप देसी घी से उसको बनाएं। तो यहाँ पे पराठा हमारा सिक चुका है एकदम, कितना बढ़िया सा दिख रहा है, कितना सुंदर कलर आया है इसका, बहुत ही सुंदर। अब इसको किनारी से हम लोग दबा दबा के इसकी किनारी सब सेंक लेंगे, किनारी इसकी जितनी भी अगर हमें कच्ची लग रही है वो हम लोग अच्छे से सेंक लेंगे पलट पलट के। पराठा ये हमारा सिक चुका है, गिरने वाला था बच गया, ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब हम दूसरा पराठा बना लेते हैं, तब तक यहाँ मैंने खाना निकाल दिया है अपने पति जी के लिए। और आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा।